आज हम लोग सिक्स क्लास का फर्स्ट चैप्टर साइंस का पढ़ने वाले हैं, जो है फूड एंड इट्स सोर्सेज। फूड और उसका सोर्स यानी कि वो हमें मिलता कहाँ से है, ये हमें पढ़ना है। फूड क्या है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है लेने के लिए, और ये मिलता कहाँ से है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस टू स्टे अलाइव, यानी कि फूड जो है वो एनर्जी का सोर्स है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलता है और हम जिंदा रह पाते हैं और हमारी सारी एक्टिविटीज़ उससे होती हैं। तो इसलिए फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस टू स्टे अलाइव। अब हम जानेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ फूड क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड क्या है। तो पहला चैप्टर ये पॉइंट होगा कि फूड हमें प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, मटेरियल्स फॉर ग्रोथ, यानी कि फूड के द्वारा हमारा बॉडी ग्रोथ करता है। ग्रो करता है कैसे, धीरे धीरे, जैसे हम बच्चा जन्म लेता है उसके बाद धीरे धीरे वो ग्रो करना शुरू कर देता है, ग्रो करते 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 एक दिन बूढ़ा हो जाता है। तो उसके ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू वर्क, एनर्जी टू डू वर्क, यानी कि फूड से ही हमें काम करने की ताकत मिलती है, फूड से ही हम काम करते हैं, वो फूड ही हमें एनर्जी देता है जिससे कि हम लोग काम कर सकते हैं। फूड हेल्प्स टू रिपेयर एंड रिप्लेस वर्न आउट टिश्यूज, यानी कि फूड हमारे बॉडी में बहुत सारी टूट फूट होते रहती हैं, सेल्स हमारे टूटते रहते हैं, पुराने सेल हो जाते हैं वो टूट जाते हैं और उनकी जगह पे नए सेल्स आते हैं, जिससे कि हमारा बॉडी ग्रो करता है, हमें एनर्जी मिलता है। तो इन सारे वर्क को, एक्टिविटीज़ को करने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है। तो उन टिश्यूज़ के रिपेयर होने के लिए भी फूड की ज़रूरत होती है। फूड हेल्प्स अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस एंड कीप अस हेल्दी, यानी कि फूड हमें डिजीज से लड़ने की शक्ति देता है, ताकत देता है, हमारे बॉडी को इतना इम्प्रूव करता है जिससे कि हमारा बॉडी किसी भी इन्फेक्शन को लगने से पहले लड़ना शुरू कर देता है, उसके लिए तैयार होता है कि इन्फेक्शन लगे और तब हमारा बॉडी उससे लड़ना शुरू हो जाता है। आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जो फैला हुआ है उसमें सभी बोल रहे हैं कि आपका इम्यूनिटी मजबूत होना चाहिए। इम्यूनिटी कहाँ से डेवलप होता है, उसी फूड से ही, जो हम फूड लेते हैं उससे ही हमारा इम्यूनिटी डेवलप होता है और हमें इम्यूनिटी डिजीज से लड़ने की शक्ति देता है, ताकत देता है। ठीक है, अब हम लोग ये सब जाने किसके बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड के बारे में, कि फूड हमें क्यों लेना ज़रूरी है। अब हम जानेंगे वेराइटी ऑफ फूड क्या होता है, कितने तरह का फूड होता है। वेराइटी ऑफ फूड में आप लोग देखते होंगे कि आप लोग दिन भर में कितनी तरह का फूड लेते हैं। सुबह में रोटी दाल सब्जी लेते हैं, फिर दोपहर में चावल दाल सब्जी खाते हैं,
फिर मटन फिश खाते हैं, एग खाते हैं, चपाती खाते हैं, समोसा खाते हैं, इडली खाते हैं, सांभर खाते हैं। तो ये तरह तरह की वेराइटीज़ ऑफ फूड हम लोग लेते हैं दिन भर में, अलग अलग तरह का लेते हैं। ये है वेराइटी ऑफ फूड्स, यानी कि